इस तरीके की चीजें ना यार आपको कोई नहीं बताया होगा, है ना, पूरे YouTube पर मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसी चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो कन्फ्यूजन होती थी वो मैं जानता हूँ, जो कन्फ्यूजन मुझे होती थी वही कन्फ्यूजन तुम्हें भी होती है, तो मैं तुम्हारे दिल की बात समझ सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो बनाया। हाँ भाई, तो क्या हाल है? तो चलो देखते हैं आज रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर, उसकी कुछ काम की बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, जो तुम्हारे मन में भी कन्फ्यूजन होगी तो ये वीडियो देखोगे तुम्हारी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। पिछली वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर किया था। ठीक है, तो ओवर रिव्यू है एक प्रकार से, जितनी भी अभिक्रियाएं उनका सभी का नामकरण करेंगे, क्या कौन कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया, सब कुछ चर्चा करेंगे, मतलब ए टू जेड। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले हैं इनको पहले बनाते हैं, पूरे बुक के फॉर्मूले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया जब करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम जब यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, Mg + O2 जब ये अभिक्रिया करते हैं, ये MgO कैसे बनाता है? तो यहाँ पर एक प्रकार का इस तरीके से हो जाता है Mg + 2 और O2 -2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Mg, ये 2 इधर आएगा तो 2 + O2, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये देखिए देखने में अच्छा नहीं लगता है, मतलब क्या हो जाता है ये Mg2O2, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर ये दो दो कैंसिल कर दिया जाता है और ये इसको लिख दिया जाता है MgO। तो ये आपका हो जाता है पहला। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड है, ठोस में है और ये गैस है, मतलब ये गैस का चिन्ह होता है। ठीक है, ऊपर जो तीर होता है और जी भी बना दिया जाता है, स्मॉल जी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो आई होप ये तुम समझ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो है वो है जिंक, जब हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड बोल लो, उससे अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। तो कैसे होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जिंक, तो जिंक का जो आवेश होता है वो होता है +2, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया H2, तो H2 का जो होता है, H2 तो नहीं लिखा जाएगा भाई, H का होता है प्लस, एक एक का लिखेंगे, और SO4 का जो होता है वो -2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक धातु है, ये धातु और अधातु दोनों रूप में शामिल हो जाते हैं। H जो होता है वो प्लस के रूप में भी होता है और H माइनस के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के रूप में लिया जाएगा क्योंकि SO4 माइनस के रूप में है। ठीक है, तो ये हो जाता है H, यहाँ पर H और SO4। अब कैसे बनता है देखते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर H2SO4 कैसे बना। तो H2 जब H अभिक्रिया किया किससे भाई, H प्लस, जब यहाँ पर SO4 से करता है, ठीक है, SO4 माइनस से, तब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भाई बनेगा जब ये दोनों मिलेंगे तो H, ठीक है, ये देखो इधर आ जाता है, इधर और ये इधर, तो H2SO4। ये एक प्रकार से लिखा क्या गया है, एक्चुअली में आप देखोगे अगर तो हमें किसी भी चीज को उदासीन करना पड़ता है इसमें। ठीक है, अगर जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि भाई अगर -4 को +4 कर दें तो ये इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमें यहाँ पर 0 मतलब उदासीन करना होता है। तो SO4 को उदासीन करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा भाई, 2 अगर लेंगे तो 1+ और 1+ इक्वल टू 2+ हो जाएंगे, यानी H2 का मतलब यहाँ पर एक्चुअली में लिखा क्या गया है H2 का मतलब कि H+, ठीक है, 2 और SO4 -2, ये दोनों देखो अब यहाँ पर ये बन जाएंगे बढ़िया H2SO4। ठीक है, ये दोनों मतलब इसको 2 करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा तभी तो ये कटेगा, तो ये हो जाता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आता है आगे आता है हमारा जिंक सल्फेट। तो जिंक जो होता है वो Zn+2 के रूप में होता है, SO4 -2 के रूप में, दोनों कट जाते हैं तो Zn-SO4 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जिंक सल्फेट। अब SO4 का नाम जो होता है वो सल्फेट होता है, बस कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डस्टर ले लेते हैं, थोड़ा गंदा हो रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा आता है Fe और H2O जब अभिक्रिया करते हैं तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Fe कहीं कहीं पर तुम पढ़े होंगे भाई FeO, कहीं पढ़े होंगे Fe2
O3, अब ये F E 3 O 4 कहां से आ गया टपक पड़ा, ये तुम कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तीनों ही आयरन के ऑक्साइड हैं। आयरन आप जानते हो लोहा तीन चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लेटराइट, क्या क्या हम पढ़े हैं। देखिए कंफ्यूजन तो हो ही रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता है अब पिछली कक्षाओं में। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये भी ऑक्साइड है लोहा का, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। अब यहां पर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखो भाई सिंपल है, जब आयरन जो है अभिक्रिया करता है या फिर जब अभिक्रिया करता है जल से H2O से, अब H2O यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि गैस के रूप में रहेगा, यानी वाष्प के रूप में, तभी अभिक्रिया करेगा ये सॉलिड। तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा, बना सकता है FeO, ठीक है, प्लस H2 बना सकता है, या तो ये बना सकता है Fe2O3 प्लस H2 गैस निष्कासित कर सकता है, या तो ये बना सकता है Fe3O4 प्लस H2 गैस निष्कासित कर सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बना सकता है ये, देखो इसको भी आप बोल दोगे आयरन ऑक्साइड, इसको भी आयरन ऑक्साइड, इसको भी आयरन ऑक्साइड, एक्चुअली में इसका नाम जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसको आई होप तुम समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये कैसे बना Fe3O4, देखिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेस पर बनता है, मतलब हमारे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसको उदासीन करने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला समझना अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर बनता है। तो F जो होता है वो F एक यहाँ पर हो जाता है, एक F मान लो यहाँ पर हम लिख दिए और एक F यहाँ पर लिख दिए, ध्यान से समझना, बीच बीच में ऑक्सीजन यहाँ पर एक कर दी, एक ये एक ये, अभी 3 ऑक्सीजन हुई, कितना है यहाँ पर Fe3O4, है ना, तो 3 आयरन तो हो गए लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई, तो दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन और ले लेंगे, अब एक ऑक्सीजन जब और ले लेंगे तो हमारा हो गए 4 ऑक्सीजन 3 आयरन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीजन जो होता है वो O2- के रूप में होता है, मतलब ये दो बंद ही बना सकता है, दो बंद है, तो ये एक एक बंद तो इनसे सबसे बना लेता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन भी बना लेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में आप देखोगे अगर, तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पर पूरा हुआ, ये ऑक्सीजन का नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक आयरन से यहाँ पर बंद बना लेगा, मतलब एक आयरन से ये, एक आयरन से ये। अब यहाँ पर देखो सभी के संयोजकताएं पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों प्रकार के आयरन प्रयोग हो रहे हैं, Fe+2 वाला भी और Fe+3 वाला भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक 3 बंद कौन कौन से बना रहे हैं, ये कितने बंद बना रहा है, 3 बंद बना रहा है, ये कितने बंद बना रहा है, 3 बंद, 1, 2, 3, है ना। तो यहाँ पर मतलब Fe3 वाला जो प्रयोग हुआ है वो कितना, 2 हुआ है, और यहाँ पर जो आयरन Fe2 वाला प्रयोग हुआ है वो 1 हुआ है। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात होती है, तो इधर उधर से ये अभिक्रियाएं कर लेता है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे, इसका नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आयरन और ये जल, और ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अगर पूछे तो भी आप ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अब मैंने बताया, लेकिन अगर उदाहरण लिखना होती है कौन सी अभिक्रिया हुई आप बता सकते हो, संयोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, मिल रहे हैं तो वो संयोग हो गया। दूसरा आपका ये क्या हुआ, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हुई, क्यों, क्योंकि जिंक जो है SO4 से अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर निष्कासित कर दे रहा है, आपने पढ़ा होगा, मैं पिछली वीडियो में बताया था। आगे हमारा आता है ये Fe, तो यहाँ पर ये H2O, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन गैस, ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो अभिक्रियाओं के प्रकार जो है वो रटा नहीं जाता, इस तरीके से समझा जाता है। आगे देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है 340 एटमॉस्फेयर दाब पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना लेता है, CH3OH बना लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथेनॉल बना लेता है, मेथेनॉल, ठीक है, तो ये बना लेता है। अब यहाँ पर जो है ये एल्कोहल है एक प्रकार का, तो ये आगे आप जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तब समझोगे, बस इतना समझना, ठीक है, ये इतना बना लेते, ये भी एक क्या, कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जब यहाँ पर H2O से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है, ये कौन सी अभिक्रिया हुई, क्या आप बता सकते हो, यहाँ पर ये जल से अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर और ये सोख ले रहा है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड
जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका सूत्र कैसे बना ये देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना ये तुम जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम प्लस टू के रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन माइनस टू के रूप में, दोनों दोनों कट जाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप तुम समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। आगे हमारा H2O तो आप जानते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, कैल्शियम प्लस टू के रूप में पाया जाता है और OH माइनस वन के रूप में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्चुअली में कैल्शियम है प्लस टू के रूप में और यहाँ पर OH है माइनस के रूप में, दोनों जब मिलते हैं तो एक प्रकार से बना लेते हैं कैल्शियम। अब यहाँ पर देखो दो हमको ये OH जो है पूरा OH में है ये आवेश माइनस लगा है, तो अगर हम कैल्शियम दो लेते हैं, कैल्शियम का दो आवेश है तो यहाँ पर OH का भी दो आवेश करना पड़ेगा, तो OH को दो आवेश करने के लिए हम क्या करेंगे, दो OH ले लेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ट्वाइस मतलब दो OH है ना। तो मैथ अगर आप समझते हो तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इस तरीके से ये बना लेता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है जो है कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनाता है देखो, कार्बन जो होता है वो यहाँ पर होता है माइनस फोर के रूप में, ठीक है, और ऑक्सीजन भी माइनस फोर के रूप में, अधातु अधातु से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन धातु और धातु दोनों एक साथ अभिक्रिया कभी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि H2 आप देखे हो H2 रहता है, लेकिन कभी देखे हो Na2 या Fe2 सिंगल में नहीं देखे होंगे, क्यों, क्योंकि धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, लेकिन गैसें और अधातुएं जो है वो अधातुओं से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है, ये हो जाता है तो सी प्लस फोर और ये माइनस टू। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, चार कार्बन के यहाँ पर उदासीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ठो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा यानी CO2 हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है वो दूसरे तरीके से बनती है, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो आता है, अब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताते जा रहे हैं और अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है। आगे हमारा आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बनता है, ये भी आप समझ रहे हो क्या कैसे बन रहा है, ठीक है, ये संतुलित नहीं है और ये जो चिन्ह इनको जानते हो, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेथेन गैस है यानी हमारी जो प्राकृतिक गैस इसको बोला जाता है, हमारी नेचुरल गैस, ठीक है, ये मेथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाती है। ये कौन सी अभिक्रिया हुई भाई, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन ये इससे अभिक्रिया किया और ये भी इससे अभिक्रिया किया है ना, एक प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा भी निकल रही है, ऊर्जा निकलती है तो वहां पर होता क्या है, एक प्रकार से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मल रिएक्शन ये हो जाता है, एक्सोथर्मिक या थर्मल बोलो, ठीक है, तो इसको आप समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है C6H12O6, ये जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अभिक्रिया जो हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ये हमारे जो श्वसन होता है ना, हम जब खाना खाते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है, जो भोजन होता है, जब बायो पढ़ोगे तब समझोगे, जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जब ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है तो वही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारा फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर कर देता है तो ऑक्सीजन बचती है अंदर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल का निष्कासन हम करते हैं, आप जानते हो मूत्र वगैरह के द्वारा, और यहाँ पर ऊर्जा का प्रयोग हम चलने खाने पीने फिर वही काम करने के लिए करते हैं, तो ये यहाँ पर श्वसन में ये अभिक्रिया हो रही है, कहाँ पर हो रही है ये अभिक्रिया, श्वसन में, याद रखना, ठीक है, श्वसन में अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अभिक्रियाएं दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर अगर बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को लिख लेते हैं पहले C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इसलिए मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक लिख लेते हैं CO2 और यहाँ पर जल, ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर बनाएंगे C6H12O6,
ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे O2 प्लस यहाँ पर बनाएंगे H2O। ये अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप देखो थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है ये क्या है, ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, सॉरी इधर इंटरकनेक्टेड है, याद करने में आसानी होगी, बस ध्यान रखना, ठीक है, याद करवा रहा हूँ। तो ये है, अब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये कहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, हमारे शरीर में, शरीर कह लो चाहे श्वसन कह लो, ठीक है, शरीर में। और ये कहाँ पर होती है, पेड़ों पौधों में, ठीक है, पेड़ लिख दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, का प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा, नहीं होगी क्लोरोफिल, इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में पढ़े होंगे पर्ण हरित, ठीक है, पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, क्लोरोफिल से, पर्ण हरित से, है ना, ये हो जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश होता है, तो ये बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। देखो कितना आसान है याद करना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यहाँ पर लेते हैं हमारी, सबसे पहले हम क्या करें, हमारे ऊपर से समझो कि हम क्या करें, ग्लूकोज लिए, अब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, देखिए भोजन जो है पूरा ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर में जाने के बाद, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, तो ग्लूकोज टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हम गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल का निष्कासन करते हैं, ऊर्जा का प्रयोग हम भोजन वगैरह, फिर तो वही क्रियाकलाप करने के लिए करते हैं, हर चीज़ क्रिया जो हम ये कर रहे हैं ऊर्जा का प्रयोग करके ही तो कर रहे हैं, एनर्जी का, ये हो जाता है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती है, ये चक्र चल जाता है, एक प्रकार का ये चक्र है सब। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, फिर वो जल से अभिक्रिया करते हैं, और जल से अभिक्रिया करके फिर से वो ग्लूकोज बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं, जल बना देते हैं, और फिर हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग हम लेने के लिए करते हैं हवा, और वहाँ पर फेफड़े हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकाल देते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको उपयोग में आ जाती है, तो ये चक्र चलता रहता है। तो इसको याद करना इस तरीके से है, और एकदम आसान है अगर तुम सोच लो थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो आई होप तुम इसको समझ गए होंगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन एक भी नहीं छोड़ूंगा आपकी, यहीं से हर चीज़ें बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा है वो क्या है, आगे हमारा यहाँ पर आता है, ये तो हो गया CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। अभी ये चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, अभी कैसे सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो आप उसका नाम बताइए, अभी बताते हैं कैसे CO2, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा CaOH का ट्वाइस प्लस यहाँ पर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पर बना लेगा जल, जल उड़ जाता है वाष्प के रूप में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप देखो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर होता है H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पढ़ा आपने, लेकिन उसके जो तीन विधियाँ हैं, पहला कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है भाई, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, दूसरा उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब हम ये क्या है एक बिना बुझा हुआ चूना पत्थर जिसको बोला जाता है, ठीक है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में मिला देते हैं तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ये, ठीक है, और ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है, ठीक है, ये ऊष्मा मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, दोनों का एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्रयोग हम करेंगे जब, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का प्रयोग हम जो है वो पुताई करने के लिए क्यों करते हैं, दीवालों में चमक लाने के लिए, दीवालों में चमक कब आती है, जब यहाँ पर कैल्शियम तो ऑक्सीजन के रूप में हुआ, अब ये चूना पत्थर जो है मिलता है कई राज्यों में, ये चूना पत्थर हम ले आए, कैल्शियम ऑक्साइड हम ये H2O मतलब बनाए, मतलब घोर लिए, घोरते हैं चूना, तो
फिर दीवार में पुताई कर देते हैं। अब जब दीवार में पुताई कर दिए हम, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने किया पुताई। अब हाइड्रोक्साइड जब किया, अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा, दो तीन दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और जल यहाँ पर उड़ जाएगा वाष्प के रूप में, मतलब गैस के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चमक आ जाती है, मतलब दीवार में ये चमक ले आता है कैल्शियम कार्बोनेट की परत। तो आई होप तुम इसको समझ गए होंगे। आपके मतलब क्वेश्चन भी दिया गया है एक, ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाऊंगा कि भाई किसी पदार्थ एक्स का विलयन हम सफेदी करने के लिए करते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए। तो सिंपल है, पदार्थ कौन सा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी बताते हैं उसको कैसे, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। अब चलो हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आगे देखते हैं, तो चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, तो चलो अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो ये हैं इनके बारे में, ठीक है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं ये बनी है ना, अगर तुम सक्रियता श्रेणी याद कर लेते हो तो समझ लो तुम्हें ये रासायनिक अभिक्रियाएं बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का खेल, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं, देखो सभी चीजें देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी अभी, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन हर चीज मैं समझा दूंगा। FeSO4 जब ये सॉलिड है, Fe2O3 SO2 और SO3 बनता है, ठीक है। लेकिन कैसे बनता है ये देखते हैं, मतलब ये क्या है, ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, एक फेरस सल्फेट। इसका नाम कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ। FE जो होता है वो एक, तो ये FE जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, FE जो होता है वो एक तो +2 के रूप में पाया जाता है और एक +3 के रूप में। अब यहाँ पर जो कम, जिसमें मैं पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें कम मतलब प्लस हो या प्लस हो, उसमें लगाया जाता है अस, यानी ये क्या हो जाएगा, फेरस, और ये हो जाएगा आपका फेरिक, ठीक है। तो ये देखो आराम से, अब इसका नाम कैसे करोगे, ये तो सल्फेट है, यानी SO4 को बोला जाता है सल्फेट। तो देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर ये 3 मिलता तो ये बन जाता है Fe2SO4 3, ठीक है, SO4 कथाइज, लेकिन ये तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, Fe SO4, मतलब ये क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, इस तरीके से दिमाग लगाओ, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है SO4 -2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो है यहाँ पर जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाता है क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। देखो यहाँ पर कैसे, Fe2O3 है, यहाँ पर क्या दिया गया है, Fe2O3, कैसे बना ये देखो यहाँ पर, या फिर E2O3 कैसे बना, O का जो होता है O, वो -2 के रूप में होता है, तो ये भाई -2 के रूप में, इसका तो इधर आया लेकिन Fe का इधर गया, मतलब Fe जो है वहाँ पर, Fe यहाँ पर +3 वाला प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड। तो इसका भी नाम आराम से कर लोगे, ये सॉलिड रूप में होता है, और ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। सल्फर जो है इसकी भी जो संयोजकता है वो बदलती रहती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, तो आई होप ये तुम सब समझ रहे होंगे यार, मतलब बिल्कुल आसान है याद करना, बस आपको कठिन बना दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि लगता है बहुत कठिन है। आगे बढ़ते हैं, PbNO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, इसमें देखो ये क्या, गर्म करना, एक प्रकार से ताप देना यहाँ पर, ठीक है, ताप, इसमें भी ताप, ये भी ताप, ये चिन्ह ताप का, ठीक है, आग जल रही है। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जब हम कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका प्रयोग हम दीवारों में पुताई उताई के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना। अब बुझे हुए चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर दिया जाता है तो पुनः वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। तो अगर तुमसे पूछे कि कैसे बनाएंगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से पहले वो करवाना। तो देखो ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक नहीं पता, एक पता है तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कैसे बनाओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे बताओ, CaOH का ट्वाइस कैसे बनाओ।
बनाओगे? सॉरी हाँ, OH का ट्वाइस कैसे बनाओगे बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट से। तब यहाँ पर आप लाओगे कि भाई हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ठीक है, CO3 को गर्म करेंगे, तब बनाएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड, तब बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और वहीं पर फिर हम पुनः इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाएंगे, ठीक है, तब ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन गया, देख सकते हो। अब पुनः इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया जब हम CO2 से करवाएंगे, देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है हर चीजें, प्लस CO2, सॉरी, तब ये बना लेगा फिर से कैल्शियम कार्बोनेट। देख सकते हो इंटरकनेक्टेड है ये सभी चीजें, तो इन सभी चीजों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। मतलब एक स्टेप फिर उसके बाद एक स्टेप तो आसान हो जाता है, मतलब इन सभी चीजों को याद करना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये सब समझ गए होंगे तुम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है PbNO3 का ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा भाई? लेड। ये क्या है? लेड। पीबी को बोला जाता है लेड, यानी सीसा, पीबी। ये क्या है? लेड। इसको पंबलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंबलम, ठीक है। अब यहां पर देखो पीबी की जो संयोजकता होती है इसके बारे में भी जान लो, +2 और Pb+4 के रूप में, दो रूप में पाया जाता है। इसका नाम क्या होगा? कम है, कम प्लस है, और इसमें ज्यादा प्लस है, मतलब इसमें ज्यादा प्लस है, इसमें कम प्लस है। इसमें अगर कम प्लस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अस लगेगा, यानी पंबलस। तो इसका नाम लिख दो पंबलस, इसका नाम लिख दो पंबलिक, कभी भूलेगा नहीं, ऐसा पढ़ा रहा हूं पंबलिक। अगर ऐसे पढ़ लेते हो तो जिंदगी में नहीं भूल सकते तुम, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम है NO3, ये -1 के रूप में पाया जाता है। ये क्या होता है? नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। इन सभी को याद कर लो, आप गूगल में भी सर्च कर लोगे ना आलायंस, तो ये सब आ जाते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब चीजें, ठीक है, तो इनको याद करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, NO3 माइनस का मतलब नाइट्रेट। अगर तुमसे सूत्र बनाने को बोल दे कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाओ, तो CaNO3 का ट्वाइस। अगर बोले कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनाओ, AgNO3, क्यों? क्योंकि Ag यहाँ पर केवल Ag का आवेश जो होता है वो +1 होता है। ये आवेश का खेल है पूरा सूत्र बनाने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बना, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे तुम लेड नाइट्रेट, यही बोलोगे, या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पंबलस नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 वाला प्रयोग हुआ, क्योंकि पीबी का जो आवेश यहां पर है मतलब 2, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप समझ रहे हो। आगे लेड ऑक्साइड, ये तो जानते ही हो, पंबलस ऑक्साइड भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे हमारा जो आता है डाई ऑक्सीजन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, मतलब देख सकते हो हर चीजें शब्द को बनाओ बस। अब यहां पर देखते हैं AgCl, इसको क्या बोलोगे? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, राइटिंग ना बने तो सॉरी, ठीक है, क्लोराइड। यहां पर ये सिल्वर आगे बाहर हो गया, और ये कहां पर कैसे होता है देखो, यहां पर ये होता है सूर्य के प्रकाश में का प्रकाश देते हैं जब, ठीक है, ताप उप नहीं देंगे इसमें, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई है उसमें बताया है, तो ये देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बन जाता है, देखो वीडियो तुमको बोरिंग जरूर लग रही होगी, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो तुमको समझना है। तो ये हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अभिक्रियाओं का प्रकार देखो, ये कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को समझना बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान रखना कि जो चीजें हम ऊष्मा देकर ताप देकर तोड़ देंगे वो वियोजन अभिक्रिया में शामिल हो जाएगा। लाइक ये भी वियोजन अभिक्रिया है, 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 ठीक है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है, तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन रिएक्शन, ठीक है, देख सकते हो तुम। मतलब सभी में ऊष्मा दे रहे हैं, इसमें भी ताप दे रहे हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश, इसमें भी सूर्य का प्रकाश, ठीक है,
इसमें सूर्य का प्रकाश देख सकते हो। तो यार कितना आसान है हर चीजें याद करना अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा दो बस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये किसके एग्जाम्पल है तो क्या बता सकते हो किसके एग्जाम्पल है? ये देख सकते हो FeCuSO4 से अभिक्रिया करता है तो FeSO4 और Cu बनाता है, मतलब Cu को यहाँ पर ये बाहर कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब ये सारी चीजें, कमाल की बात ये है कि तुम जो सक्रियता श्रेणी है उससे याद कर सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। देखो यहाँ पर कैसे बनाओगे अब इनसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर FeCuSO4, अब यहाँ पर ये क्या है? घटती अभिक्रियाशीलता, इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, ये ताकत समझो, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत उससे कम है, इससे कम, इसकी ताकत नीचे वाले की उससे कम, इसकी सबसे कम ताकत है। अब यहाँ पर जिसकी ताकत कम होती है उसको इसलिए सी बात, जो ज्यादा ताकतवर होता है उसको भगा देता है वहां से, उस जगह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, FE जो है वो जब अभिक्रिया करता है CuSO4 से तो ये बनाता है FeSO4 और Cu को बाहर कर देता है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो ये FE है ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, इससे, और ये Cu को यहाँ पर ये बाहर कर रहा है। कितने भी एग्जांपल आप बना सकते हो, इसके जगह में यहाँ पर अगर ले लो FE, अब यहाँ पर क्या बना लिया FeSO4। अब अगर तुम FeSO4 की अभिक्रिया अगर तुम करवा दो ऊपर वालों से, इसके इसके ऊपर क्या है जैसे सोडियम से करवा दो, तब यहाँ चलो अब दूसरे से मैग्नीशियम से करवा दे रहे हैं, तब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम SO4 बना लेगा और आयरन को विस्थापित कर देगा। और अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया या GSO4 की अभिक्रिया ऊपर वाले से इसके करवा जैसे लाइक कैल्शियम से, तब क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। देख रहे हो कितना आसान है ये सारी चीजें, इससे समझना। इसने आप 100 अभिक्रिया 50 अभिक्रिया से ज्यादा बना सकते हो आराम से, ठीक है। एक लो, अब यहाँ पर दूसरा आयन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर इसकी जगह हम ले लेते हैं अब Cl2 ले लो, ठीक है, FeCl2 अगर ले लो, बस उसकी जगह हम फिर से वही काम करो, दूसरे आयन कार्बोनेट ले लो आयन, उसके बाद करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो मैं ये हो जाता है, ठीक है। तो मैं मोबाइल साइलेंस थोड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में घंटी बज रही है, तो ये हो जाता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं उसके बाद, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये किसका एग्जाम्पल हुआ? विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एक मैंने और लिख दिया है, ये क्या है? लेड और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पर होगा क्या? देखो इसी में से हो रहा है खेल सब। ये यहाँ पर क्या होगा? इसकी रिएक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिएक्शन बनाना नहीं आता, भाई समझो ना तब तो आएगा। देखो कितना आसान है, क्या बनाएगा यहाँ पर? PbCl2 बनाएगा और यहाँ पर Cu को विस्थापित कर देगा, सिंपल। कैसे भाई? जो Pb है वो इससे अभिक्रिया कर लेगा, कैसे भाई? यहाँ पर देखो Pb कहाँ पर है, ये यहाँ पर है Pb, और यहाँ पर कापर कहाँ पर है? कापर इसके नीचे है, नीचे है ना, ये नीचे कापर है और यहाँ पर ये Pb, ये क्या ज़्यादा ताकतवर है? अब ये ज़्यादा ताकतवर है तो उसके आयन जो है इसका का है Cl- आयन है, किसका भाई? Cu का, है ना। तो ये इसके आयन को ले लेगा, क्या कौन ले लेगा? Pb ले लेगा, तो PbCl2 बना लेता है, PbCl2। अब Cl2 कैसे बना वो हर बार मैं नहीं बताऊंगा, Cl का जो आवेश होता है -1 होता है और Pb का जो होता है वो +2 होता है, इसलिए PbCl2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, हर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलो ये हो गया, वीडियो को शेयर करते जाना भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब आगे, इसकी जगह में और भी आयन ले सकते हैं, जैसे कार्बोनेट को ले लो। इस यहाँ पर अगर ले लेते हैं मान लो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 ले लो। कार्बोनेट का जो आयन होता है CO3-2 होता है, ठीक है, तो H का जो +1 होता है तो ये वाला जो इधर आ जाएगा तो H2CO3 बना लेगा। उतनी टाइम से मैं समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है, हर बार बोल दे रहा हूँ। अब H2CO3 की अभिक्रिया अगर तुम करवा दोगे यहाँ पर इसके ऊपर वाले से लाइक जिंक से करवा दो, तब यहाँ पर ये बना लेगा ZnCO3 प्लस यहाँ पर ये हाइड्रोजन का, इसको विस्थापित कर देगा, सिंपल। तो इससे बहुत सारी अपस करवाते चले जाओ, कैल्शियम की अभिक्रिया इससे करवा दो, इससे, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया समझते हैं कि क्या होती है।
ठीक है, तो ये आपके हो जाती हैं। तो इसके एग्जांपल बनाना, इससे आराम है, आराम हो जाता है। ठीक है, किसी भी आयन को लो, विस्थापित करवा दो, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। कौन से है? विस्थापन, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलो अब आगे समझते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रियाएं मैंने आपके बुक से लिख ली है, एक तरफ से मैं बताते चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई, आपने लिख लिया होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया, उसके एग्जाम्पल इसमें से आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, एक आयन लो, सीएल टू आयन ले लो, जैसे यहाँ पर एम जी सीएल टू की अभिक्रिया इनसे करवा दोगे। फिर जैसे यहाँ पर अगर पी बी सीएल टू ले लो, तो इसके ऊपर वाले से करवा दो, तो विस्थापित करवा दो, है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। सीएल की अभिक्रिया इससे करवा दो, तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। इसी तरीके द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझना बिल्कुल आसान है। ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर देखो यहां पर क्या हो रहा है, तो यानी ये जो है ये इससे अभिक्रिया कर रहा है और BA इससे कर ले रहा है। ठीक है, तो BaSO4 और NaCl बना ले रहा है। अब यहां पर देखो कैसे Na, मैं लिख लिया हूं NaSO4, ठीक है, 2SO4, क्योंकि SO4 के दो आवेश होते हैं, तो इसमें दो ठो में सोडियम लेना पड़ेगा, प्लस BaCl2, BA के जो है प्लस टू आवेश होते हैं। इससे पता भी कर सकते हैं इसके कितने आवेश हैं, इसके दो आवेश हैं, और इसके यहाँ पर कुछ नहीं तो एक आवेश, इससे पता भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर BaSO4 बनाएगा और यहाँ पर NaCl बनाएगा, राइटिंग नंबर है, सॉरी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है, यानी इससे अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, एक बात कंफ्यूजन में मेरे हमेशा रहती थी कि सर क्या हम इसको इधर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये एरो के इधर जितने भी हैं इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ NaCl प्लस BaSO4, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बदलाव कर सकते हो, मेरे कन्फ्यूजन में हमेशा रहती थी, इसीलिए मैं पीछे रह जाता था। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी ये जो है इससे अभिक्रिया कर रहा है, ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आ जाए तो कैसे कर देखोगे भाई, यानी जो है देखो इससे अभिक्रिया कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, यानी इससे मतलब बेरिलियम के आयन से, और बी ए इससे कर रहा है, मतलब ये इसको इससे भी स्थापित कर दे रहा है। कह रहा है बड़े तेज हो रहे हो भाई, वाह रे बड़ा तेज हो रहा है तू, है कह रहा है तू मुझसे इसको भगाएगा, तू मुझसे इसको छीनेगा, चल मैं तेरा भी छीन लूँगा। इसका मतलब ये है, मैं एक बैग लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी से दूसरा बैग छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका बैग मैं छीन भी लेता हूँ, उसका बैग मैंने छीन लिया, तो वो बोल रहा है बड़े तेज हो रहे हो, उसने मेरा बैग छीन लिया। तो ये यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का सेम उदाहरण ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर कितने भी आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पर लिख दो NaCl लिख दो प्लस NaCl प्लस BaSO4 लिख दो, तो फिर वही बना दो Na2SO4 प्लस BaCl2, देखो वही बन गया सेम। इतने में किसी को ले लो, आयन दूसरे होने चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर सीएल आयन है, माइनस वाला आयन दूसरा होना चाहिए, दूसरा देखो ये यहाँ पर SO4 आयन है। इसी तरीके से कार्बोनेट वाला ले सकते हो, यानी 2CO3 ले लो प्लस मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर NaCl बना लेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा, सिंपल। तो कितने सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो, चलो 10 एग्जांपल कम से कम नीचे कमेंट में कर देना। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। Cu plus O2 क्या बनाया? CuO। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई भाई? दो प्रकार की अभिक्रिया। पहली तो संयोजन अभिक्रिया हुई, दो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बना लिए। दूसरी कौन सी अभिक्रिया हुई भाई? इसमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े हो? ये देखो, एक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, पढ़े हो? ये भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही थी। ध्यान दो अगर, तो उत्तर आपके सामने है। अगर आपसे पूछ ले किसी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए या उसका बताइए, तो ये कर सकते हो, जब कोई धनात्मक तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब यहाँ पर देखो CuO है, CuO है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया। अब यहाँ पर ध्यान दो CuO, ये यहाँ पर Cu है और हाइड्रोजन कहाँ पर है? ऊपर है इसके। अब जब CuO से हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई? सिंपल, क्या बना लेगा? H2O प्लस Cu को बाहर कर देगा,
देख सकते हो ये नीचे था ये ऊपर था, तो ये देख सकते हो इसका आयन कौन सा है, ऑक्सीजन आयन यानी -2 आयन ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये देखो, तो यार मतलब इंटरकनेक्टेड हर चीज़ें होती हैं, ये नहीं है कि एक चीज़ आ रहा है एक नहीं आ रहा है तो आपको फिर नहीं आएगा, ऐसे याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ZnO और कार्बन, ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पेंटाहेक्सा जो आता है वो बड़ी थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, तो ये हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करेगा तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन जो है वो जिंक से अधिक शक्तिशाली होता है, इसमें भले नहीं दिया गया है लेकिन होता है। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन इससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ये जिंक को विस्थापित कर दे रहा है, तो मतलब यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ध्यान देना, यहाँ पर अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी यहाँ पर हो रही है, क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी CU का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन के यहाँ पर उपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है ना। अब यहाँ पर भी देखो, जिंक ऑक्साइड से और कार्बन जब अभिक्रिया होती है तो जिंक बाहर हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, और यहाँ पर कार्बन में जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या हो रहा है भाई, उपचयन हो रहा है, सिंपल, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उपचयित हो रहा है, इस तरीके से ही बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, और जिंक ऑक्साइड जिंक के रूप में अपचयित हो रहा है, ठीक है। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन बाहर होना, इसी तरीके से इसमें देख लो, ये भी वही एग्जाम्पल है, देख लो ये इससे अभिक्रिया कर लिया और ये इससे कर लिया, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पर जल बनाया और Cl भी यहाँ पर बाहर हो रहा है, ठीक है, तो ये Cl2 के रूप में वैसे होता ही, तो ये देख सकते हो। तो यार ये सारे एग्जाम्पल हमने यार कवर कर लिए, तुमको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है, पूरे एग्जाम्पल जितने भी बुक में हैं और इस तरीके की चीज़ें ना यार आपको कोई नहीं बताया होगा, है ना, पूरे YouTube पर मुझे लग रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे जो कन्फ्यूजन होती थी वो मैं जानता हूँ, जो कन्फ्यूजन मुझे होती थी वही कन्फ्यूजन तुम्हें भी होती है, तो मैं तुम्हारे दिल की बात समझ सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो बनाया। हंसते रहो हमेशा, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।